हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्लीव्स डिजाइन बनाने के लिए ये हमने स्लीव्स कटिंग कर ली थी पहले ही। अब इसकी मोहरी को मोड़ लेंगे हम और सीधी सिलाई चला लेंगे किनारे किनारे, एकदम सीधी। और कपड़े को इकसार करते हुए हमें सिलाई चलानी है, कहीं से छोटा कहीं से बड़ा कपड़ा नहीं छोड़ना है, नहीं तो बहुत गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है, आधा इंच अंदर के लिए कर देंगे और ऊपर 1 इंच पे करते हुए सिलाई चला के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो अब हमने ये मोहरी मोड़ करके हम माप के दिखाएंगे तो ये तकरीबन 9 इंच की बैठेगी, तो ये मैं अलग रख दे रही हूँ। अब बनाएंगे हम डिजाइन। तो हमने एक लंबा सा कपड़ा लिया है, 2 इंच चौड़ा, 2.5 इंच चौड़ा सॉरी, और इसको हम दोनों तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी सिलाई चला करके एक नाड़ा टाइप बना लेंगे। हमें ये सीधी सिलाई चला करके एक नाड़ा टाइप बना लेना है लंबे से कपड़े का। ये हमने सीधी सिलाई चला करके कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको 3-3 इंच की लंबाई पे कट करेंगे। तो इतने साइज के 3 इंच के हमें कई सारे टुकड़े कट कर लेने हैं। ये हमने सारे टुकड़े कट कर लिए हैं। इसके बाद हम जो स्लीव्स की मोहरी फोल्ड करके रखी थी उसको लेंगे। तो इसे हम इस तरह मापते हुए और साइड से हम इस तरह बीचों बीच से पौना पौना इंच की दूरी पे हम मार्क करेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया है और इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से और फिर इसको हम कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हम इसे अलग रखेंगे। तो इसके बाद हमने एक ही कागज लिया है कापी का और 9 इंच की लंबाई पे हमें मार्क करते हुए एक्स्ट्रा कागज को हम कट कर देंगे। अब ये जो हमने डोरी बनाई थी तो उन्हें हम इस तरह रखते हुए सीधी सिलाई चला लेंगे। तो ये डिजाइन बिल्कुल आसान है, जो बिगनर्स हैं बिल्कुल, जिनको सिलाई नहीं आती है, वो भी बच्चे हैं या लेडीज है, वो भी इसे आराम से और इजीली बना सकती हैं और फटाफट। तो दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई चला देने वाले हैं सीधी। ध्यान रहे कि सिलाई चलाते समय कागज ना फटे। अब एक्स्ट्रा कागज को हम कट कर दे रहे हैं। तो ये हमने बना लिया है। अब जो हमने स्लीव्स कट करके रखी थी उनको हम जॉइंट करेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मैं भी आप मुझे पता चले कि कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आपका धन्यवाद कह सकूं। और इस तरह से हमें स्लीव्स जॉइंट करके किनारे किनारे सिलाई चला देनी है और इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी जोड़ के इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये कुछ हद तक मेरा डिजाइन तैयार हो गया है। अब एक लास्ट स्टेप और मैं करने वाली हूँ, जिसमें मैं डोरी लेंगे दूसरे कलर की और उसको बीच से रखते हुए और इस तरह के बॉक्स टाइप बनाते हुए सिलाई चलाते जाएंगे और कंप्लीट कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोजाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो मेरी स्लीव्स की डिजाइन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो ये हमने बॉक्स टाइप बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब धागा को कट कर देंगे, जो हमने ये बनाया है इसके बीच में हम मोती लगा देंगे। तो हमारी स्लीव्स रेडी हो गई है इस तरह से। तो किस किस को मेरी स्लीव्स अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को फुल वॉच करके अपने